हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, वो है सिग्मा का 16mm f1.4 DC DN। ये एक वाइड एंगल लेंस है। मैं क्योंकि सोनी का 6500 जो है मैं वो यूज़ करता हूँ, और मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही वाइड एंगल की ज़रूरत पड़ती है। अनबॉक्सिंग के लिए मुझे मैक्रो या मैक्रो टाइप का लेंस ज़रूरत पड़ती है, तो मैक्रो लेंस लेने के जाऊँ तो बहुत ही महंगा होता है। तो मैं ये आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैं इसको ख़रीदा 31,500 में। अगर आप ऑनलाइन से ख़रीदारी करना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने इसको लोकल मार्केट से ख़रीदा तो मुझे कुछ इसके सस्ता पड़ा, इसलिए। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास है सिग्मा का 16mm f1.4 DC DN। ये एक वाइड एंगल लेंस है। तो ये लेंस सोनी माउंट के लिए है, जिसका एपर्चर बहुत ही अच्छा है, यानी 1.4, और इसका फिल्टर साइज है 67mm। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लिखा है, 39,000 लिखा है, और मैंने ऑनलाइन पे भी देखा था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्राइस दिखाया, तो हमने लोकल मार्केट से इसको परचेस किया है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहले हमें मिलता है ये वारंटी कार्ड और कुछ पेपर्स वगैरह है इसमें। ये इसका मैनुअल है। तो ये तो हमें बहुत ही ज़्यादा समझ में आ गया, और यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा है। तो चलिए लेंस को देखते हैं। तो ये रहा अंडे की पैक की तरह हमारा लेंस। तो चलिए इसको देखते हैं खोल के, इसको साइड में रख देते हैं। ये है इसका लेंस हुड, ये प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन एकदम प्रीमियम क्वालिटी है ये। अब हम लेंस को देखते हैं। तो ये है हमारा लेंस, इसमें लिखा है सिग्मा फॉर रिमाउंट, और इसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा है 16mm 1:1.4 DC DN, जो फिल्टर साइज है 67, और ब्रांड। तो आप इसका क्वालिटी देख सकते हैं इसका। तो ये है फोकस रिंग, बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है, ये रबर का है, बहुत ही स्मूथ है ये। तो लेंस यहाँ पे 16mm जो लिखा है इसका डिटेल्स, और नीचे लिखा है मेड इन जापान, काफ़ी अच्छा है। और ये जो है ये मेटल का ही लग रहा है, काफ़ी अच्छा है ये, बहुत भारी भी है ये। इसको देखते हैं पीछे, आप देख सकते हैं ये मेटल का ही है, और ये वेदर सील्ड है। तो ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है इसका, जब इसका टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। तो और हमने इसके साथ लिया है एक यूवी फिल्टर, तो इसके ऊपर वो लगा के देखते हैं। तो ये यूवी फिल्टर हमने लोग जब लेंस लिए थे उसके साथ ही परचेस किए थे, कोई ब्रांड का है इसका, ग्रिफिन लोकल है। मुझे इसका प्राइस पड़ा 300 रुपीज़। तो हम इसके ऊपर लगा के देखते हैं। इसके ऊपर लिखा है 67mm। ये जब भी कोई आप यूवी फिल्टर लेते हैं तो उसके हिसाब से फिल्टर के साइज़ से इसको लेना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छे से पैक किया गया है इसको। अगर आप कोई भी लेंस ख़रीदते हैं तो एक ये प्रोटेक्टर यूवी फिल्टर ज़रूर ख़रीदें, ये काफ़ी हद तक अपने लेंस को प्रोटेक्ट करता है धूल मिट्टी से तो सबसे ज़्यादा। तो ये रहा, तो काफ़ी अच्छे से ये फिट भी हो गया। ये एक क्रॉप सेंसर कैमरे का लेंस है। हमें ये वीडियो लेने के बाद ही पता चलेगा कैसा इसका वीडियो आता है और कितना वाइड एंगल ये कैप्चर करता है। तो गाइज ये रहा वो लेंस। तो चलिए इसका कुछ सैम्पल टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये मेरा हाथ, आप देख सकते हैं इसका वाइड एंगल कैसा है। आ जा इधर, आ जा लेंस पे हाथ लगा। ये जो है मैंने इसका, अभी तो बाहर बहुत धूप है, मैंने अपर्चर 8 पे रखा है, और इसका फ्रेम रेट है 160। तो आप देखते हैं ये 5.6 अपर्चर है। मैंने अपने हाथ को सामने रख के इसका वाइड एंगल और
इसका जो फील्ड ऑफ डेप्थ है वो चेक किया, और इसका और आप इसका ऑटो फोकस देखिए। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट डिस्टेंस में ये फोकस ले रहा है। तो दोस्तों मैंने दिखा दिया इसका फोकल लेंथ कितना है और इसका अपर्चर कितना है, ये कैसे इसका आउटपुट होता है। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।